राघोगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार 16 पर, कांग्रेस 8 पर भाजपा की जीत। जिले के राघोगढ़ नगर पालिका के लिए मतगणना का काम पूरा हो गया है। एक बार फिर से राघोगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सभी 24 वार्डो के रिजल्ट आ गए हैं, जिनमें से 16 पर कांग्रेस तो भाजपा को 8 सीटें मिली। बता दें कि राघोगढ़ नगर पालिका के 24 वार्डो के लिए 20 जनवरी को मतदान हुआ था। 63 केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 76% वोटरों ने मतदान किया। पिछले चुनाव के मुकाबले ये 1% ज्यादा है। NFL और जेल के मतदान केंद्रों में हर बार की तरह काफी कम ही वोटिंग हुई है। यहां 2 केंद्रों पर पिछले चुनाव के मुकाबले और भी कम मतदान हुआ। 24 वार्डों के लिए केवल 24 टेबल। चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर SDM विकास आनंद ने बताया कि 24 वार्डों के लिए 24 टेबल लगाई गई है। अधिकतर वार्ड में 2 राउंड में काउंटिंग पूरी की जा रही है। केवल 2 वार्ड ही ऐसे हैं जहां 4 राउंड तक काउंटिंग की जाएगी। वार्ड क्रमांक 5 और 22 में 4-4 मतदान केंद्र हैं। ऐसे में यहां 4 राउंड में काउंटिंग हो रही है। 16 पर कांग्रेस, भाजपा 8 पर जीती। क्या पूरी व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट? हाँ, काउंटिंग की व्यवस्था अभी 9 बजे से आज काउंटिंग शुरू होना है। मतगणना एंड अभ्यर्थियों और उनके एजेंट्स के सामने स्ट्रांग रूम को खोला गया है। इसके साथ 24 टेबल्स लगाए गए हैं एंड इसमें हर टेबल में मिनिमम 3 राउंड्स रहेंगे एंड उसके साथ साथ हो सकता है थोड़े टेबल्स में ज़्यादा राउंड्स होंगे। एंड टीम्स स्टाफ पूरी पहुंच गई है, ऑब्जर्वर भी बैठे हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी वहीं पर उपस्थित हैं एंड काउंटिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और हम बाहर और अंदर भी पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था है एंड प्रॉपर लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी हमारी तैयारी है। एंड प्रॉपरली जैसे जैसे राउंड खत्म होते जाएंगे उस राउंड के रिजल्ट को हम लोग अनाउंस करते जाएंगे। पानी की बॉटल भी अलाउ इस बार नहीं की गई, क्या इसका? अब वो हम लोग सर्कुलेट करा लेंगे, पानी को सर्कुलेट करा लेंगे। काउंटिंग के दौरान क्या? काउंटिंग के दौरान 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सबसे पहले तो जो मतगणना के टेबल्स हैं उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। दूसरी ITI का जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर और कॉरिडोर्स में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। और तीसरी आउटर कॉर्डर में सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे कि जो लोग अधिकृत हैं अंदर जाने के लिए सिर्फ वही प्रवेश कर सकें। इसके साथ साथ शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं और मोबाइल पार्टीज भी लगाई गई हैं, जो कि हर स्थिति को नजर रखे हुए हैं। रिजल्ट के बाद जुलूस वगैरह उन सब के लिए कैसे क्या अरेंजमेंट्स हैं? रिजल्ट के बाद अगर कोई जुलूस निकलता है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई किसी ने अनुमति नहीं ली है जुलूस निकालने की, तो उसके लिए हमने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई है। तो हमने कहा मोबाइल पार्टीज लगातार घूम रहे हैं और अगर कोई जुलूस निकलता है तो तात्कालिक तौर पर भी हमारे पास पर्याप्त बल उपलब्ध है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी।